लास्ट कुछ डेज क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। बिटकॉइन के प्राइस में हमें थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला है। वैसे ये अप ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, स्टिल बिटकॉइन ने अपने हाई को होल्ड करके रखा है। 100 डे मूविंग एवरेज को भी BTC ने ब्रेक कर दिया है और चार्ट पर देखने में लग रहा है कि इस बार BTC अपनी मेजर रेजिस्टेंस $46,000 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम BTC का चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड सेकंड हम बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ की। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली बिटकॉइन के प्राइस में अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। रिसेंटली इसने अपना 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। बिटकॉइन का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है $43,000 के अराउंड। बिटकॉइन के साथ साथ सभी ओल्ड कॉइन में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। एडा, सोल, एवेक्स, BNB, इथीरियम सभी ओल्ड कॉइन राइज कर रहे हैं। लास्ट कुछ टाइम से बिटकॉइन ने 37,000 के लेवल को अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ था, बट 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद BTC के सामने एक और बिग चैलेंज है अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का, जिसे BTC 3 times ऑलरेडी ब्रेक करने के लिए ट्राई कर चुका है, बट एवरी टाइम BTC अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में फेल रहा है। इस ईयर की स्टार्टिंग से ही बिटकॉइन एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है। 3 months के राउंड होने वाले हैं बिटकॉइन को इस जोन में ट्रेड करते हुए। बिटकॉइन के सामने अभी 2 major resistance है। फर्स्ट तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ट्रेडिंग रेंज की अपर ट्रेंड लाइन। ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स का मेन फोकस इसी रेजिस्टेंस पर बना हुआ है, और अगर बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस रेंज को ब्रेक करने में सक्सेसफुल रहता है तो बिटकॉइन के सामने 200 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस भी खड़ा है। BTC के बुल रन को स्टार्ट होने के लिए ये दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि बिटकॉइन में ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, और इसके साथ ही न्यू बुलिश रैली भी स्टार्ट हो सकती है। बिटकॉइन के चार्ट को शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखने पर 2 possible scenario बनते दिख रहे हैं। फर्स्ट, बिटकॉइन कंटिन्यू हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता रहे एंड 46,000 के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे। एंड सेकंड पॉसिबल सिनेरियो है, बिटकॉइन फिर से फेल हो सकता है रेजिस्टेंस रेंज को ब्रेक करने में, जिसकी वजह से बिटकॉइन में एक बार फिर से लोअर लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं और मार्केट अपने सपोर्ट लेवल 37,000 को टेस्ट करने जा सकता है। इसके अलावा 4 hour के टाइम फ्रेम में हम बेरिश फ्लैग पैटर्न को भी देख सकते हैं। अगर ये कंप्लीट होता है तो बियर रन कंटिन्यू बना रहेगा, और अगर ये पैटर्न फॉर्म होने में फेल रहा तो हमें बिटकॉइन में अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये था दोस्तों BTC का चार्ट एनालिसिस एंड मार्केट अपडेट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की। फर्स्ट न्यूज़ है, US सेनेटर प्रपोज बिल टू इन्वेस्टिगेट इफेक्ट ऑफ एल सेल्वाडोर बिटकॉइन एक्सपेरिमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एल सेल्वाडोर वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी बनाया है। इसलिए US सेनेटर्स ने बिल प्रपोज किया है कि एल सेल्वाडोर के इस स्टेप से क्या इफेक्ट आया उनकी इकोनॉमी, फाइनेंशियल सिस्टम में एंड US डॉलर पे, जिसको स्टडी किया जाए। क्रिप्टो पेमेंट को लेकर एक और न्यूज है, थाईलैंड सिक्योरिटी टू बैन क्रिप्टो एज अ मेथड ऑफ पेमेंट। थाईलैंड ने क्रिप्टो को एज अ पेमेंट यूज करने पर बैन कर दिया है, जो 1 April से इफेक्ट में आ जाएगा। मोस्टली कंट्रीज अभी कंफ्यूजन में है क्रिप्टो को लेकर, जिसको दूर होने में अभी टाइम लगेगा। नेक्स्ट न्यूज है, मेटा फाइल ट्रेडमार्क फॉर क्रिप्टो टोकन्स वॉलेट्स एक्सचेंज। जुकरबर्ग मेटावर्स इज गोइंग क्रिप्टो एंड मेटा लोगो विल बी एट द नेक्सस ऑफ इट ऑल। लास्ट ईयर फेसबुक ने खुद को रीब्रांड किया एज अ मेटा, जिसका मेन मोटिव था मेटावर्स में खुद को एंटर करने का। अब इन्होंने ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी है फॉर क्रिप्टो टोकन वॉलेट एंड एक्सचेंज। टोटल 8 ट्रेडमार्क फाइल किए है मेटा ने अपने डिजिटल पर्पज को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, $50 million स्टोलन फ्रॉम इनफिनाइट स्टेबल कॉइन मिंटिंग ग्लिच। $50 million की सोल क्रिप्टो किसी ने स्टोल कर ली है विद द हेल्प ऑफ मिंटिंग ग्लिच। आए दिन कोई ना कोई न्यूज हैकिंग से रिलेटेड देखने को मिली जाती है, जिसको ऑब्वियसली नियर फ्यूचर इम्प्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, वॉल स्ट्रीट बैंक कॉमन लॉन्चेस स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर इंस्टीट्यूशनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था गोल्डन सैक्स ने फ्यूचर के थ्रू बिटकॉइन को बाय किया है, एंड टुडे एक और बैंक ने क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग सर्विसेज लॉन्च कर दी है, वो भी इंस्टीट्यूशनल के लिए। वर्ल्ड के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो धीरे धीरे क्रिप्टो स्पेस में एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, डिसेंट्रलैंड आइज रैली अहेड ऑफ मेटावर्स फैशन वीक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डिसेंट्रलैंड एक मेटावर्स स्पेस है। फर्स्ट मेटावर्स फैशन वीक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले वर्ल्ड के बिग फैशन ब्रांड्स लाइक डोल्ची एंड गबाना एंड टोमी हिल्फिगर, जिसके हाइप की वजह से आपको मैना क्रिप्टो कॉइन में राइज देखने को भी मिल सकता है। अगर आप क्रिप्टो में न्यू है और क्रिप्टो एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है, जैपनीज क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनचेक टू लिस्ट ऑन नैस्डैक वीआ 1.25 बिलियन स्पैक मर्जर। कॉइनबेस एक्सचेंज के बाद कॉइनचेक एक्सचेंज नैस्डैक में लिस्ट हो रही है। आई होप हमारी डोमेस्टिक एक्सचेंज लाइक वजीरएक्स, कॉइनस्विच भी कभी निफ्टी और बीएससी पर लिस्ट होगी। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।